एंड मैं हूँ दीपंकर और आप देख रहे हैं टेक इन पॉइंट हिंदी। मैं एक बंगाली लड़का हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं आज आपको बताऊंगा SSD के बारे में। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये क्या है? एक स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। हम लोगों का कंप्यूटर पे सेकेंडरी स्टोरेज की तरह ये भी यूज होता है। मतलब एक तो हार्ड डिस्क यूज होता है, उसके साथ साथ SSD भी यूज होता है। मतलब आप हार्ड डिस्क भी रख सकते हो, उसके जगह में SSD भी रख सकते हो। तो SSD और हार्ड डिस्क दोनों में एक आप यूज कर सकते हो सेकेंडरी स्टोरेज की तरह। प्राइमरी स्टोरेज तो रैम है, सेकेंडरी स्टोरेज की तरह SSD या हार्ड डिस्क को आप रख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा ये SSD कैसे काम करते हैं, ये कितना अच्छा है, इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए SSD का, देखिए स्क्रीन पे एक पिक्चर आ रहा है, स्क्रीन पे पिक्चर को देखिए ठीक से। इसमें कुछ चिप लगा हुआ रहता है और ये जो सेम साइज का चिप आपको दिख रहा है वो सेम साइज का चिप है, वो है फ्लैश मेमोरी। मतलब इसमें जैसे दूसरे वीडियो में बनाया था हार्ड डिस्क के बारे में, उसमें प्लेटर्स होता है और उसके ऊपर हेड रहता है, उसके थ्रू वो रीड करता है, राइट करता है। यहाँ पे ऐसा प्लेटर्स कुछ नहीं रहता है, सिर्फ फ्लैश मेमोरी रहता है। और एक चिप है, आप देख लीजिए वहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोलर। मतलब कंट्रोलर से कंट्रोल करता है पूरा फ्लैश मेमोरी को, और इसमें रीड एंड राइट होता है। तो एक स्टेट सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसमें फ्लैश चिप रहता है, कुछ फ्लैश मेमोरी चिप, और इस मेमोरी चिप में रीड एंड राइट करते हैं। यही मेमोरी चिप हम लोगों का स्टोरेज है, मतलब SSD का जो स्टोरेज ये है वो ये सब मेमोरी चिप ही है। तो ये मेमोरी चिप में हम लोग रीड एंड राइट करते हैं हम लोगों का डाटा को, मतलब स्टोरेज करके रखते हैं हम लोगों का डाटा को और बाद में उसको यूज करते हैं। ये मार्केट में हार्ड डिस्क तो था, इतना अच्छा था, महंगा नहीं था, बहुत अच्छा चीज है। बहुत 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 8 TB, 16 TB मिल जाता है, ठीक है। लेकिन तब भी SSD क्यों बनाने पड़ा? SSD बनाना पड़ा इसलिए कि हम लोगों का जो हार्ड डिस्क है, जो प्लेटर्स रहते हैं, हेड के थ्रू रीड होता है, राइट होता है, उस हार्ड डिस्क में अगर जब मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का काम करता है, कुछ सॉफ्टवेयर का थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन, मतलब छोटा छोटा फाइल रहता है हर एक जगह पे, एक डिस्क का अलग अलग जगह पे रहता है, उसको एक साथ रीड करना, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि प्लेटर्स हर वक्त मूव करता है, घूमते रहता है, उसके अंदर मतलब एक साथ बहुत जगह से डाटा को रीड करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए उसका स्पीड जो है डाटा को रीड करने का वो कम हो जाता है। तो ये जो डाटा रीड करने का जो स्पीड है, डाटा राइट करने का जो स्पीड है, ये कम होने के कारण सोचा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मतलब प्राइस देके, बहुत अच्छा अच्छा प्रोसेसर देके, बहुत अच्छा अच्छा कंप्यूटर बनाते हैं, और उस वक्त ये हार्ड डिस्क के थ्रू इतना अच्छा चलता नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है, हार्ड डिस्क में प्लेटर्स घूमता है, उससे रीड ज़्यादा अच्छा नहीं करता। तो प्रोसेसर तो तकड़ा है, लेकिन हार्ड डिस्क के कारण वो ये नहीं कर पाता, मतलब स्पीड नहीं दे पाता, हार्ड डिस्क से उतना जल्दी रीड नहीं होता। तो प्रोसेसर अच्छा होने के बाद भी उसको स्लो होता है उसका मशीन। तो इसलिए क्या सोचा गया बाद में कि ना ऐसा होने से प्रॉब्लम है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट ड्राइव का टेक्नोलॉजी आया। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब करने का एक बात सोचा गया, और उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, और अभी सॉलिड स्टेट ड्राइव मार्केट में अवेलेबल है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, देखा आपने कि कुछ फ्लैश मेमोरी लगा रहता है, एक कंट्रोलर लगा रहता है, बस। सॉलिड स्टेट ड्राइव एकदम सॉलिड होता है, उसमें कोई प्लेटर्स नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, और ये एक साथ बहुत सारे मतलब जहाँ पे भी डाटा है एक साथ रीड कर पाता है। इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, रीड और राइट करने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो करने के लिए एकदम पूरा स्मूथली काम कर सकता है। बहुत अच्छा अच्छा प्रोसेसर वाला लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये जब सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा रहता है तब बहुत अच्छे से वो काम कर पाता है। एक्चुअल में आप फील कर पाएंगे, अगर आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, तो आप फील कर पाएंगे कि उसमें बहुत अच्छा स्पीड आपको मिलेगा।
तो यही बात है दोस्तों इस सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो अभी बात है दोस्तों कि इसका एडवांटेज क्या है। देखिए, एक एडवांटेज है कि इसमें रीड और राइट बहुत अच्छे से होता, मतलब बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव होने के कारण आपका हाथ से अगर गिर जाएगा, ठीक है, तब भी मतलब आपका डाटा खो जाने का चांस नहीं है, मतलब गायब या डिलीट या क्रैश नहीं हो जाएगा आपका डाटा। तो क्या होगा, आपका डाटा सब ठीक ठाक रहेगा, एकदम सेफली रहेगा। तो ये कारण है, क्योंकि ये तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसलिए। और एक बात है कि इसका जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जब बूट होता है उस टाइम के लिए अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव है तो वो जल्दी हो पाएगा, मतलब आपका मशीन फर्स्ट टाइम जब ऑन होता है वो जल्दी ऑन हो जाएगा। तो ये एक बात है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव के बहुत सारे मतलब एडवांटेज है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये बहुत महंगा रहता है, जैसे आपको 128 GB का एक सॉलिड स्टेट ड्राइव लेने पे आपको एक 1 TB का हार्ड डिस्क हो जाएगा, मतलब समझ पा रहे हैं आप कि बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये एक बात है। और मार्केट में एकदम अवेलेबल नहीं है, मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन आपका घर का पास में जो मार्केट है वहां पे जाके, कंप्यूटर शॉप है वहां पे जाके शायद आपको नहीं मिलेगा, सब जगह पे ये नहीं मिलता है, तो मार्केट में उतना अवेलेबल नहीं है। और इसका स्टोरेज बहुत कम है, मतलब आप 16 TB का अगर हार्ड डिस्क लेना चाहते हैं ले पाएंगे, लेकिन इसका नहीं ले पाएंगे क्योंकि नहीं है। तो ऐसा ही स्टेट ड्राइव मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD आपका कुछ डिसएडवांटेज है कि इसको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलता है, लेकिन ये यूज करने के लिए एकदम बहुत अच्छा है। ऐसे में आपको एक सॉल्यूशन मैं बता सकता हूँ कैसे आप सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन पे आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा काम होगा। देखिए, आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका प्रोग्रामिंग जितना प्रोग्राम जितना रहता है, जितना एप्लीकेशन रहता है, ये सब को अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव में रखे और स्टोरेज और एक स्टोरेज यूज करे कि हार्ड डिस्क वो अपना डाटा रखने के लिए, तो आपका मशीन बहुत फास्ट होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव रख लिया आपने, तो क्या होगा, वो जो ऑन होगा, वो जो काम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम स्मूथली काम करेगा, तो उसके लिए आप मतलब 128 GB खरीद लिया तो बहुत बेहतर होगा। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या जितना भी प्रोग्राम एप्लीकेशन रहेगा वो उसमें रह जाएगा, उसके बाद आप एक 1 TB का हार्ड डिस्क खरीद लिया तो उसमें अपना डाटा रहेगा। तो क्या होगा, मशीन आपका जो होगा वो एकदम फास्ट होगा, बहुत स्मूथ चलेगा। तो ये एक सोल्यूशन है, सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन में आप एक मशीन बना सकता है, मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप कर सकता है, जहां पे आप बहुत अच्छे से स्मूथली यूज कर पाएंगे। तो शायद आपने समझ लिया होगा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में आपको बताया। आपको इस वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना, अगर खराब लगा तो डिसलाइक भी कर सकता है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी के वीडियो इस चैनल में आते हैं और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।